घने जंगल में जब बड़ा हाथी अपनी सूंड को हिलाए हुए चलता तो गीदड़ों का एक झुंड इसे ललचाई नजरों से देखता रह जाता। हाथी का गोश्त खाने के लिए गीदड़ एक अरसे से बेताब थे, मगर इतने बड़े हाथी का मुकाबला इनके बस की बात ना थी। एक बूढ़े और मकार गीदड़ ने कहा, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिला सकता हूं। गीदड़ इसकी शोखी सुनकर हंस पड़े, क्योंकि वो तो हाथी के मरने का इंतजार कर रहे थे, जबकि बड़े हाथी का फिलहाल मरने का कोई इरादा नहीं था। गीदड़ों के झुंड ने कहा कि अगर तुमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया तो हम तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह के वक्त मकार गीदड़ बड़े हाथी के पास पहुंचा और अदाब से सलाम अर्ज करने के बाद खुशामद और आजी से कहने लगा, जनाब आपके पास ताकत है, इतना बड़ा कद है, आप अपनी सूंड से दरख्तों को जड़ से उखाड़ लेती हैं। जंगल की बादशाहत तो सिर्फ आप ही को जेब देती है। हाथी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को कौन समझाएगा। मकार गीदड़ ने अपनी तरकीब कामयाब होते देखी तो कहने लगा, इसकी आप फिक्र ना करें, सबसे पहले मेरी बरादरी आपकी बादशाहत तस्लीम करेगी, आप सिर्फ एक बार मेरे साथ चलें। बड़ा हाथी गीदड़ के पीछे चल पड़ा और दोनों चलते रहे। गीदड़ हाथी को लेकर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां काफी गहरी दलदल थी। गीदड़ खुद तो छलांगे लगाता हुआ दलदल में से गुजर गया, जबकि हाथी बादशाहत के नशे में मस्त चलता हुआ दलदल में फंस गया। हाथी ने गीदड़ को मदद के लिए पुकारा तो मकार गीदड़ बोला, हजूर मैं अपनी बरादरी को बुलाता हूँ, वो आकर आपको निकालेंगे। बड़े हाथी को अब भी गीदड़ की मकारी का पता ना चला, वो बोला, हाँ जल्दी बुलाओ। मकार गीदड़ ने जोर से आवाज लगाई तो सारे गीदड़ों का एक झुंड भागम भाग जमा हो गया। गीदड़ों ने मिलकर खुशी से चीखें मारी और हाथी पर हमला कर दिया। बड़े हाथी को गीदड़ की मकारी का पता चल चुका था, मगर अब पछताने से क्या हासिल। गुस्से में आकर सूंड हिलाई, सब बेसोध। गीदड़ हाथी को मजबूर देकर शेर हो चुके थे। चंद ही लम्हों में उन्होंने हाथी का गोश्त चट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक हासिल होता है कि खुशामद बुरी बला है।